खरगोन जिले के माहेश्वर में खेलो इंडिया की मशाल के साथ धड़कता हिंदुस्तान का दिल। मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो रहा है। पांचवी खेलो इंडिया की मेजबानी में प्रदेश के 8 जिलों में 27 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। खेलो इंडिया के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी को भोपाल के शौर्य स्मारक से मशाल और खेल के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया था। मशाल रैली की अगुवाई के लिए उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जैसे ही एसडीएम अग्रिम कुमार ने खेलो इंडिया की मशाल थामी, खिलाड़ियों और छात्र छात्राओं के दिल धड़कने लगे। मशाल आते देख थम सा गया महेश्वर। वहीं महेश्वर नगर में खेलो इंडिया की मशाल की सूचना मिलते ही खुशी का माहौल छा गया। नगर के मुख्य मार्ग से होकर नर्मदा तट पर मशाल पहुंची। नगर की गलियों से खिलाड़ियों द्वारा मशाल और खेलो इंडिया की थीम सॉन्ग की आवाज सुनकर नगर थम सा गया। यह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कैनो सलालम की मेजबानी के लिए माहेश्वर तैयार है। इस दौरान एसडीएम अग्रिम कुमार, थाना प्रभारी पंकज तिवारी, सीएमओ मनोज शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिलाधिकारी पवि दुबे, विकासखंड समन्वय अनीता हिरवे, खेलो इंडिया गेम्स के सभी कोच, नायब तहसीलदार सहित सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। वहीं 8 राज्यों के खिलाड़ी होंगे शामिल, जिसमें कैनो की होगी 4 प्रतियोगिताएं। सहस्त्रधारा ट्रैक पर 6 व 7 फरवरी को कैनो सलालम की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें कैनो सलालम की K1C1 मेंस एवं वुमेन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। खेलो इंडिया प्रतियोगिता के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? खेलो इंडिया का ये 5वां संस्करण है, जो कि जिसकी मेजबानी करने का मौका हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे महेश्वर को भी होस्ट करने का मौका मिला है। इसमें यहाँ पर कैनो सलालम प्रतियोगिता होने वाली है, जो कि 6 और 7 फरवरी में होगी यहाँ पर, और मैं सभी को उस चीज़ के लिए निमंत्रण देती हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, हमारे मध्य प्रदेश के प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लगाएं। सर, खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो रही है सर, इस पे कुछ प्रकाश डालिए सर, क्या कहना पाएंगे? हाँ जी, खेलो इंडिया प्रतियोगिता महेश्वर होस्ट सिटी है। महेश्वर में हम 6th और 7th फरवरी को कैनो सलालम होस्ट कर रहे हैं। खेलो इंडिया बेसिकली हमारे नेशनल गेम्स होते हैं। ये नेशनल गेम्स पहले तो सबसे पहली बार मध्य प्रदेश इस नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है, और इस इवेंट में सबसे खासकर जो हमारा कैनो सलालम है, ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुए हैं एज नेशनल गेम्स। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महेश्वर को इस इवेंट की मेज़बानी करने का मौका मिला है। तो आज हमने इसके लिए सर्वप्रथम एक रैली रखी थी, टॉर्च रैली, जिसमें जो हमारी खेलो इंडिया की टॉर्च है वो महेश्वर आई थी, एंड इसमें कई लोगों ने हिस्सा भी लिया। हमारे कम से कम 1200-1300 बच्चे इस रैली में भाग लिया, और काफ़ी प्रचार प्रसार किया है हमने खेलो इंडिया के नेशनल गेम्स के लिए। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग शहर से इसमें जुड़ें और इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाएं। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।